नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट आपको पता है, वो है IRCTC। IRCTC दिन में 6 से 7 लाख टिकट्स बुक करती है। उसका रेवेन्यूज भी सबसे ज़्यादा है एंड अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और ये मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अब एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसकी वजह से सडनली उनका जो ऑनलाइन बुकिंग है टिकट्स का, वो नियरली डबल हो जाएगा। और वो क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने IRCTC पे टिकट्स बुक ना किए हो। दैट इज द रीजन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स साइट इन इंडिया। लेकिन अब उन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है पे ऑन डिलीवरी। यस, दैट इज राइट, पे ऑन डिलीवरी। अभी तक ऐसे नहीं होता था, आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करने पड़ते थे और ऑनलाइन ही आपको टिकट्स मिलते थे। इसका मतलब आप टिकट्स ऑनलाइन बुक कीजिए और घर बैठे आपको टिकट्स आपके हाथ में मिल जाएंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जैसे कोई भी चीज खरीदते हैं और कुरियर आके घर पे डिलीवर करता है, वैसे ही आपके IRCTC के टिकट्स भी आपको घर तक मिलेंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको ऑनलाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जब टिकट्स आपके पास आएंगे तो आप उनको पे कीजिए, और आप कैश से भी पे कर सकते हैं, कार्ड से भी पे कर सकते हैं। ये बहुत सबसे ज़्यादा ये फीचर यूज़ होने वाला है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अभी तक अगर नेट बैंकिंग देखा जाए या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देखा जाए, वॉलेट्स देखा जाए, इन सब ऑप्शंस में से पे बाय डिलीवरी ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ऐसे मुझे लगता है। और उसका रीज़न भी है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत फेल होते हैं। द फेलियर रेट नियरली 30% है। मतलब नेट बैंकिंग का अगर आप देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 10 में से 3 ट्रांजैक्शंस फेल होते हैं। पे ऑन डिलीवरी ऑप्शन यूज़ किया तो ऑनलाइन पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अगर पेमेंट पे ऑन डिलीवरी ऑप्शन आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले याद रखिए, ये जो है फेज़ वन में 600 सिटीज़ में अवेलेबल है। 600 सिटीज़ मतलब अगर आप कोई भी मीडियम या लार्ज टाउन या सिटीज़ में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका ये फीचर आपको मिलेगा। दूसरी बात याद रखिए कि ये ऑप्शन जो आपका डिपार्चर डेट है उसके 5 दिन पहले तक ही अवेलेबल होगा। उसके बाद में अगर आप मतलब आपका ट्रैवल डेट 3 दिन के बाद है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि IRCTC को भी टाइम चाहिए कि वो आके आपके घर पे वो टिकट्स डिलीवर करें। तो ये पे ऑन डिलीवरी ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार आपका ये आधार कार्ड या पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई हो गया तो पे ऑन डिलीवरी ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ऑप्शन फ्री नहीं है, लेकिन अगर 5,000 तक के आपके टोटल टिकट कॉस्ट होगा तो उसका डिलीवरी चार्ज 90 रुपीज़ है प्लस सर्विस टैक्स। और अगर 5,000 से ज़्यादा आपके टिकट के कॉस्ट होंगे, टोटल समझो आप 5 टिकट बुक कर रहे हैं, उसका टोटल कॉस्ट जो है वो 5,000 से ज़्यादा है तो उसका कॉस्ट है 120 रुपया प्लस सर्विस टैक्स। अगर आपने रिफ्यूज़ किया, टिकट्स आपने बुक किए, आपके घर पे आए और आपने पैसे देने से इनकार किया या टिकट्स लेने से इनकार किया तो क्या होगा, या फिर आपने कैंसिल किया तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो एंड मोमेंट पे कैंसिलेशन करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं लेने से। तो आप एक बात याद रखिए कि ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये किया तो आपको कैंसिलेशन और डिलीवरी चार्जेस तो लगेंगे ही, लेकिन आपका जो सिबिल स्कोर होगा वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, IRCTC आपके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर आपके टिकट कॉस्ट ज़्यादा हो और आपने रिफ्यूज़ किया तो दे विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। आई एम श्योर यू डोंट वॉन्ट दैट। और याद रखिए, अगर सिबिल स्कोर आपका नेगेटिवली अफेक्ट होता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा या बहुत हाई इंटरेस्ट रेट से मिलेगा, बहुत सारे उसके नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं। तो याद रखिए, अगर आप 100% श्योर हैं तो ही पे ऑन डिलीवरी ऑप्शन चूज़ कीजिए, क्योंकि आप
बाद में वो कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये था, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ट्रैवलर्स के लिए। मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं इंडियन रेलवे से और वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं। बहुत सारे लोग जो अभी एजेंट से बुक करते थे टिकट्स, वो अभी ऑनलाइन मूव हो जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं है, घर पे टिकट्स आने के बाद ही पेमेंट करना है। तो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, डेबिट कार्ड होना ज़रूरी नहीं है, नेट बैंकिंग होना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि IRCTC का बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए सिया।